हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जारांज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम स्कूल लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बसंत पंचमी के ऊपर कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। लेट्स स्टार्ट। बसंत पंचमी या जिसे श्री पंचमी भी कहा जाता है, हिंदुओं का त्योहार है। इस दिन विद्यादी देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। हिंदू कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की। उन्होंने पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य बनाए, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी रचना में कोई कमी रह गई है, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कवच से जल छिड़का, जिसे चार हाथों वाली एक सुंदर स्त्री पैदा हुई। उस स्त्री के हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वह मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने इस सुंदर देवी से वीणा बजाने तो कहा। जैसे वीणा बजी, ब्रह्मा जी की बनाई हर चीज में सुर आ गया। जब ही ब्रह्मा जी ने उस देवी को वीणा की देवी सरस्वती नाम दिया। वह दिन बसंत पंचमी का था, इसी वजह से हर साल बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाने लगा और उनकी पूजा की जाने लगी। अब अंत में मैं आपको देवी सरस्वती का मंत्र सुनाऊंगा। ओम क्लीन महान सरस्वती देवी नमः। ओम क्लीन महान सरस्वती देवी नमः। ओम क्लीन महान सरस्वती देवी नमः। धन्यवाद।